बूढ़ा तालाब। दोस्तों रायपुर में अभी घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह बूढ़ा तालाब है, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। जय जोहार संगवारी हो, मैं हूँ दीपक और आज मैं आ गया हूँ बूढ़ा तालाब। यह रायपुर शहर के बीचों बीच स्थित है और लगभग 600 साल पुराना तालाब है और यह तालाब और भी बहुत सारे चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कलचुरी शासन काल में भी यहाँ के जो राजा थे वो भी इस तालाब का जीर्णोद्धार कराए। उसके अलावा जो अंग्रेज थे, अंग्रेज भी जो है यहाँ पे जब थक के आते थे तो इस गार्डन में यहाँ पे रुकते थे। और बताते हैं यह जो तालाब है पहले और भी ज़्यादा बड़ा था। यह तालाब जो है पुलिस लाइन तक जाता था, इतना बड़ा तालाब था। अब ये छोटे होते होते अभी बहुत छोटा हो गया है। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और अभी यह तालाब को और भी बहुत ज़्यादा हाईटेक तरीके से डेवलप कर दिया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं आपको लेकर और दिखाते हैं बूढ़ा तालाब। आज हमारे साथ हैं घनश्याम भाई और लोकेश भाई। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर। और जो बूढ़ा तालाब है ये 3 बजे से लेके 8 बजे तक खुला रहता है, ये वाला गेट। और वो सामने वाला गेट भी है, वो वाला जो गेट है सामने आप देख रहे हैं वो 5 बजे से 10 बजे तक खुला रहता है और ये वाला जो गेट है वो 3 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर और घुमाते हैं बूढ़ा तालाब। अभी जो ये तालाब है ये बहुत अच्छा कर दिए हैं और जो फुटपाथ है आसपास में बढ़िया मेंटेन कर दिया गया है क्योंकि बंद था कुछ समय के लिए। पेड़ वेड़ भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, पेड़ बहुत से कुछ सूखे थे, नए नए पेड़ कुछ लग चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पर नाव भी चालू हो गया है, मात्र 50 रुपये में आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। तो हम बोटिंग कुछ लोग शायद मुझे इस ब्लॉग के अंदर छोड़ के जा सकते हैं। अच्छा, ये शायद भविष्यवाणी कर रहे हैं तो हो सकता है, बट हम इसको छोड़ने की कोशिश तो नहीं करेंगे। और जो उस साइड है तालाब के उस पार, वहाँ पे शाम टाइम में लाइटिंग इतना ज़बरदस्त रहता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। मैं भी दिखाऊंगा। हाँ, भाई भी दिखाएंगे। शाम के 5 बज गए हैं और यहाँ पर जो वॉक करने वाले हैं, जो घूमने वाले हैं, वो सब यहाँ पे आने लगे हैं। तो यहाँ पे शाम टाइम में आसपास के बहुत से लोग जो है घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की बहुत बड़ी यहाँ पर मूर्ति जो है ध्यान मुद्रा में है, तो आप देख सकते हैं। कवर कर लिए हैं पूरा और हम उस पार जाने वाले हैं और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। आपके अंदर एंटर कर चुके हैं और आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे पार्किंग मिल जाएगा, राइट साइड में यहाँ पर बच्चों के झूले हैं, तो वो चीज़ तो आपको दिखाऊंगा। तो अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो हमको बूढ़ा तालाब घुमा रहे हैं, अमेरिका रिटर्न घनश्याम भाई। एक्चुअली आई एम फ्रॉम शिकागो। ठीक है, ये बोलना चाहते हैं कि जो अमेरिका था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब छत्तीसगढ़ आ गए हैं तो छत्तीसगढ़ का जो बूढ़ा तालाब है वो अमेरिका से कम नहीं लग रहा है। यहाँ का जो लाइटिंग है, जो वॉकिंग के लिए जो फुटपाथ बनाया गया है, इतना ज़्यादा बेहतरीन है। देखो तो यार, लग रहा है कि नहीं है? और यार इतना बेहतरीन बनाया है इस जगह से लेके पूरा आगे तक, यहाँ पे फुटपाथ में चलने के लिए पूरा लाइटिंग इतना खूबसूरत लग रहा है। रायपुर, सच में बता रहा हूँ, रायपुर नहीं लग रहा है। जबरदस्त एक्सपीरियंस, एकदम जबरदस्त है एक्सपीरियंस, जबरदस्त है भाई। सच में एकदम ऑसम। जिन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को सोचा है उनको हमारा थैंक यू है कि आपने बूढ़ा तालाब को इतना ज़बरदस्त सजा के रख दिया।
जो हमारा जो पुरोधा लोगों का एक स्थान है बूढ़ा देव का, उसको इतना जबरदस्त खूबसूरत कर दिया, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और पूरा रायपुर इस प्रोजेक्ट का आभारी है क्योंकि सबसे खूबसूरत है रायपुर में अभी है, क्योंकि जो भी बन रहा था नया रायपुर में बन रहा था। ठीक बोल रहे। तो चलिए अभी आपको पूरा जगह को घुमाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं वो दिखाते हैं, तो चलिए चलते हैं। तालाब के चारों ओर यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ढंग से लाइटिंग किया गया है और जो नया गेट है यहाँ पर तो पूरा रेलिंग बनाया गया है, यहाँ के पेड़ों को रंग रोगन किया गया है, पेड़ों पे लाइट लगाया गया है। यहाँ पर आकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दोस्तों अगर आप जब भी रायपुर आते हैं तो बूढ़ा तालाब घूमने के लिए ज़रूर आएँ और यहाँ पे शाम टाइम ही आप घूमने के लिए आ सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। अगर आप फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ जो है आपको खिंचाने को मिल जाएगा। तो आइए। वाह यार, देख सकते हैं पूरा रेलिंग में जो है यहाँ पर लेज़र लाइट लगा है और पेड़ों में भी जो है लाइट लगा है, जितने भी पेड़ हैं वहाँ पर लाइट लगा हुआ है। और अभी देख सकते हैं यार इतना ज़्यादा भीड़ है, यानी इवनिंग वॉक के लिए बहुत सारे लोग अभी जो है घूमने के लिए आए हुए हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर बीच सेंटर में यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी जो है यहाँ पर ध्यान मुद्रा में हैं। तो यहाँ पर आज से बोटिंग भी स्टार्ट हो गया है जिसका चार्जेस है 50 रुपीज़। तो बोटिंग अगर होता है तो बोटिंग भी आपको कराएंगे। तो चलिए आगे आपको लेकर चलते हैं। तो बोटिंग स्टार्ट हो चुका है। स्वामी विवेकानंद सरोवर बूढ़ा तालाब रायपुर, प्रति व्यक्ति 50 रुपये चार्जेस लिया जाता है। और ये यहाँ पर है, टिकट ले लिया हूँ यार, 50 रुपीज़ चार्जेस है। और धन्यवाद भाई। तो टिकट ले लिया हूँ और जा रहा हूँ अभी बोटिंग करने के लिए। तो यहाँ से टिकट लेकर हमको इस साइड जाना होगा और ये यहाँ पर है तो बोटिंग करते हैं। लाइफ जैकेट ज़रूरी है तो लाइफ जैकेट लेते हैं हम। बोटिंग करके जस्ट वापस आए हैं। ये किया है, हम नहीं किए हैं, ये आदमी किया है। और मेरे को छोड़ के चला गया था और कैमरा पहले ही फोन लगा रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा बंदा, और छूटने के टाइम बकायदा उठा रहा फोन। मैं बोट पे हूँ भाई का। वाह दोस्तों, यहाँ पर माटी क्लब बोट की तरफ से बहुत सारे मिट्टी के बर्तन जो है आप यहाँ से खरीद सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कप बनाया गया है और बहुत अच्छा क्वालिटी का जो है कप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर केटली है और जैसे प्लेट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ग्लास है, थाली का पूरा सेट है, अगरबत्ती स्टैंड है और यहाँ पे हॉट पॉट है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मिट्टी के बर्तन जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं टिकली है और यहाँ पे पानी का बॉटल भी है और यहाँ पर मेटल आर्ट, ढोकरा आर्ट, बांस के आर्ट भी जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और घर को सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहां से खरीद सकते हैं। और अभी के टाइम पे यहां पे लाइट भी बहुत अच्छा से बनाया गया है, आप देख सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए यहां पर बहुत सारे झूले लगाए गए हैं जिसमें बच्चों को ध्यान में रख कर नए नए प्रकार के यहाँ पर झूले लगाए हैं, मतलब बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बच्चे यहाँ पर आते हैं तो बोर नहीं होंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। बड़ों के लिए यहाँ पर चेस बनाया गया है जो यहाँ पर खेलते देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक के लिए यहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं पीछे में बैकग्राउंड में यहाँ पर चेस बना हुआ है, छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर झूले लगे हुए हैं और इधर पर वॉकिंग करने के लिए, नाइट वॉकिंग करने के लिए पूरा एक सर्कल बना हुआ है। और सामने में यहाँ बीच में जो तालाब है, स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है, उस जगह में भी बहुत बेहतरीन लाइटिंग किया गया है। उसके जस्ट अपोजिट में इस साइड में आप देख सकते हैं चार ओर लाइटिंग किया गया है, लेज़र लाइट लगा हुआ है, पेड़ों में भी लाइट लगा है, पेड़ों को कलर किया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। अगर आप रायपुर आते हैं, बूढ़ा तालाब आप ज़रूर एक बार घूमने के लिए आइए। तो दोस्तों
आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली के बीच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा लें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।